Hello dear viewers, this is Mayum Nizwan from Janasan Medical University and today I'm going to tell you that how you have to cover your biology book 2 for an MTCAT. जैसे कि आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा MTCAT एग्जामिनेशन अब कन्वर्ट हो चुका है NMDCAT में, मतलब नेशनल MTCAT, जिसके लिए आपको फोकस करना होगा फेडरल बायोलॉजी पे. इसके साथ साथ आपको फोकस करना होगा तीन पीस पे, विच आर प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस. नंबर वन इज प्लानिंग, जिसके लिए आप लोगों को पता होनी चाहिए चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MCQs. जेनेटिक्स से 9, बायोलॉजी से 7, होम्योस्टेसिस से 6, CNS से 4, मसल से 3, सेल साइकिल से 2, मूवमेंट से 1, यानी कि बायोलॉजी बुक 2 से टोटल 35 MCQs आर एक्सपेक्टेड इन योर नेशनल MTCAT एग्जामिनेशन. Then comes the second piece, which is preparation. That how to make notes and memorize things. इसके लिए आप बना सकते हैं फ्लैश कार्ड्स, इसके अलावा बना सकते हैं कंपैरेटिव चार्ट्स. कुछ टॉपिक्स में कंपैरेटिव चार्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, मसलन एवोल्यूशन. इस चैप्टर में से डार्विन और लमार्क की थ्योरीज को फोकस किया जा सकता है. इसी तरह चैप्टर वन में से प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल को भी आप इसी पैटर्न पे, मतलब आपस में कंपेयर करके एंड डिफ्रेंशिएट करके एक दूसरे से पढ़ सकते हैं. फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आपको माइंड मैप्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे हार्मोन्स का टॉपिक यानी एंडोक्राइनोलॉजी. आप लोग माइंड मैप्स की फॉर्म में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं. Then comes the last P, which is practice. फिर हमें ये देखना है कि प्रैक्टिस करनी कहाँ से है. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स में से भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास नम्स के पास्ट पेपर्स, क्योंकि दीज आर द मोस्ट प्रेफर्ड वंस. इसके अलावा अगर आपको सिंह की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर्स करना है तो आप कुछ बुक्स जैसे कि डाउग्रेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा कुछ मजीद बुक्स जो हैं वो रेड स्पॉट है, जहाँ से आप जेनेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैपलन सीरीज को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस. इन सब के अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनके लिए आपको करना होगा कंटिन्यूस रिविजन. इनमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपको करना होगा रिविजन. और इसके अलावा कुछ मजीद चैप्टर्स हैं जो है CNS, मूवमेंट एंड होम्योस्टेसिस. देन बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने होंगे वो हैं DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग. लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप फेडरल की बुक में बायोटेक्नोलॉजी में जितना लिखा है, जो लिखा है, सब अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन NMDCAT आफ्टर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के लिए आपको करना है पेडिग्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड इसी के साथ साथ आपको करने हैं लॉज ऑफ जेनेटिक्स यानी कि मेंडल्स लॉ को याद. देन कम्स होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में आपने वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन्स एंड थर्मोरेगुलेशन को फोकस रखना है. CNS में आपने ब्रेन एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर फोकस रखना है. मसल्स में मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ऑक्सीजन डेप्थ वगैरह के टॉपिक्स हैं. इसके अलावा सेल साइकिल में आपने माइटोसिस, मियोसिस, इंटरफेस वगैरह को फोकस करना है. एंड इसके अलावा मूवमेंट में आपको टाइप्स ऑफ मसल एंड स्केलेटन जो है वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक 2, एंड आई होप कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक योर जर्नी बेटर. तो अगर आपको हमारी एफर्ट्स अच्छी लगी और पसंद आ रही है, सो डू सब्सक्राइब अवर पेज. थैंक यू वेरी मच.